तो ए गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सो गाइस आप सभी बढ़िया होंगे। मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो गाइस यार, ऑलमोस्ट रात के समय बज रहे हैं 10 से 10:30, मतलब 10:15 ही हो गए। और ये देखिए, ये हो रही अपनी पैकिंग यहाँ पर। ऑलमोस्ट ये सुबह के पहनने के लिए कपड़े मैंने अलग रख दिए, और जो मैं लेके जा रहा हूँ कपड़े अलग है। और यहाँ पर हमारी साथ में मीटिंग भी चल रही है इस तरफ को, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि गाइस कि मैं अपना जो कैमरा है गोप्रो उसको लेकर जाऊँ या फिर नहीं लेकर जाऊँ। ये रहा देखो, सोच रहा था ये लेके जाऊँ, लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि यार कि ये ना भाई थोड़ा कुछ ज़्यादा हो जाएगा। बाकी अभी जूते वूते का हिसाब किताब भी देखना है कि कौन से पहन के जाऊँगा, कौन से लेकर जाऊँगा। बाकी चप्पल और टूथपेस्ट वगैरह तो यार ये तो हर बार लेके जाता हूँ, क्योंकि यार ये तो मस्ट है ना, आप लोगों को भी पता है। तो चलिए मैं पहले पैकिंग करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कुछ मिलता है दिखाने को। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सो गाइस आप सही बढ़िया होंगे। मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। जी हाँ गाइस, तो फाइनली यार आज वो दिन आ गया है जो कि मैं जा रहा हूँ फिलहाल आज हरिद्वार। जी हाँ, तो आई होप सो आपने देखा होगा यार, कल मैंने कितनी मुशद्दत से यार यहाँ पर आने की मैंने कोशिश करी और मैं फाइनली आ भी गया, ठीक है। तो देखिए अपनी ट्रेन खड़ी यहाँ पर। तो गाइस मैं फिलहाल जो हूँ अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है तो भाई ये है अरुण, ठीक है। तो ये और मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली के बाहर। वैसे तो हम बहुत जगह घूम चुके हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली के बाहर कभी जाना हुआ नहीं, ठीक है। तो अपनी ट्रेन खड़ी है ये पीछे बिल्कुल। लास्ट टाइम जिस ट्रेन से मैं गया था ना, क्या बोलते हैं, मुंबई गया था, तो वो भी ट्रेन से वैसे थी चेयर कार ही थी, तो ये भी चेयर कार ही है। तो देखते हैं इसका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, क्योंकि यार उसमें तो पेंट्री कार नहीं थी, इसमें सब कुछ अंदर अवेलेबल, खाना पीना सब मिलता रहेगा बराबर बराबर। क्या आपको तो पता ही है, वही जो नॉर्मल कॉफ़ी टी और नॉन वेज और वेज का ऑप्शन होता है यही होता है, ठीक है। इस तो ट्रेन निकलने में बस हमारे 10 मिनट में ट्रेन निकल जाएगी और हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। वहां पर 11:30 बजे तक हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे गाइस, ठीक है। तो ट्रेन की जो चलने की टाइमिंग है वो है 6:45 या 40 मिनट ऐसे ही कुछ है। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, ट्रेन में चलते। सो गाइज यार अपनी ट्रेन तो अब निकल चुकी है। एक्चुअली इसका जो ट्रेन निकली है भाई वो 5 से 6 मिनट डिले निकली है, ताने कुछ इशू वगैरह हो गया था, है ना। बाकी आप नज़ारा देख सकते हैं, सुबह हो गई कितनी ज़्यादा। और जब मैं निकला था तो जब मैं उठा था तो मैं 4:30 बजे उठा था, 4:30 बजे, और यहाँ तक आते आते हो गए 5:30 6। तो गाइस यार अपनी ट्रेन तो मेरिट क्रॉस कर चुकी है और अभी टाइमिंग की बात करते तो 8:15 लगभग, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट आ चुका है गाइस, और आपको मैं दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है। ये देखिए, ब्रेकफास्ट में पहले तो आपको मिल जाता है ये जो है, ये है मैंगो, ठीक है, मैंगो जूस है ये, पता नहीं लोकल कंपनी का है। ये है वर्का की बटर, ठीक है गाइस। ये कटलरी दे रखी है इन्होंने, और ये है हमारा एग, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ऑमलेट है इसके अंदर, थोड़े बहुत ऑमलेट होंगे और थोड़े बहुत मटर वगैरह होंगे इसके अंदर गाइस। ये देखिए एग और मटर है इसमें, ठीक है। और देखते हैं, और इसमें बटर मैंने आपको दिखा दिया है, और इसमें है ये साइड में सॉस जो कि है टॉप्स का सॉस है, ठीक है। तो अगर आप वेज नॉन वेज लेते हैं तो ऐसे कुछ मिलता है, अगर आप वेज लेते हैं तो वेज में आपको कटलेट मिलेगा और पराठे होते हैं पराठे मिलेंगे, ठीक है। चलो इसको ख़त्म करते हैं अब। गाइस यार अरुण ने तो अपना सारा कर दिया फिनिश, कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? बहुत बेकार भाई, बेकार था। तो भाई देखो, मैं तो वैसे ये आमलेट के साथ ना ब्रेड खाता ही नहीं बिल्कुल भी, तो मैंने क्या किया, मैंने जो बटर था ना, ये बटर में मैंने इसमें लगा दिया ब्रेड के बीच में, तो अब मैं तो ऐसा करके खा रहा हूँ, ठीक है। इसने तो ऐसे खा लिया। और जो रही बात है आमलेट की, तो भाई ये तो मैं ऐसे खाऊँगा नॉर्मली जैसे कि लोग खाते हैं, ठीक है। बाद में साथ में जूस दे रखा, और एक चीज़ और दे रखी है जो भाई दिखी नहीं थी, ये देखो कहा गई, ये देखो गाइस
ये क्या समझ, अरे यार फोकस नहीं कर रहा। ये देखो ये है सॉल्ट और पेपर, ये ना छुपा रखा था। जब भाई इसकी मील ख़त्म होगी ना तब हमने देखी कि इसमें सॉल्ट और पेपर भी दे रखा था। पेपर कैसे 2 रुपए मिल जाएंगे वापस। कंप्लेन करो ऑनलाइन। फीका फीका है बहुत ज्यादा। बाकी जूस का टेस्ट आपको पता ही होगा। नहीं गाइस हमें नहीं पता, आप बताइए जूस का टेस्ट कैसा लगा आपको। और जब नहीं चल रही तो गाइस यार हमने अपना जो फूड क्वालिटी का जो जितना भी था एक्सपीरियंस वो हमने शेयर कर दिया है। और ये देखिए ये सभी से ले रहे एक्सपीरियंस इस तरीके से। तो जो मैंने क्या लिख रखा है मैं आपको वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट में लिखा आ गया होगा आपको, ठीक है, तो आप वहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। बाकी ट्रेन जब चल रही है तो हमने वैसे बेसिकली क्या लिखा, आप स्क्रीन में यहाँ पर देख रहे होंगे कि यार जो फूड की जो क्वालिटी थी ना वो थोड़ी बहुत डाउन थी। क्या जो फूड की जो क्वालिटी थी ना यार वो थोड़ी बहुत डाउन थी। थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए था फूड की क्वालिटी में, और खाना थोड़ा बहुत ठंडा था और गर्म होना चाहिए था। बट चलो कोई बात नहीं, अब पैसेंजर इतनी बड़ी ट्रेन है, इसमें हम अकेले थोड़े ना, इसमें और भी पैसेंजर है, तो ठीक है। मतलब एवरेज गुड दिया मैंने, ज़्यादा इतना ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं दिया। बाकी आप लोग आइज अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप लोग इस ट्रेन में आए हो तो नीचे कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को उसमें क्या सही लगा और क्या गलत लगा, ठीक है। वैसे तो गलत उसमें कुछ लगा नहीं होगा क्योंकि स्टाफ बहुत बढ़िया है और वेल मेंटेन स्टाफ है और बिहेवियर बहुत गुड। तो गाइस यार फाइनली यार मैं तो पहुंच चुका हूँ यहाँ पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन। जी हाँ भाई, लेकिन हालत हो रही है मेरी थोड़ी बहुत ख़राब क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम यहाँ पर बैठ रखे हैं IRCTC के कैटरिंग, मतलब जो रेस्टोरेंट उनका है वो बैठ रखे हैं। तो अरुण को भेज रखा है तो ऑर्डर अभी लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इसको लंच करते हैं और इसके बाद फिर मैं मेडिसिन लूँगा और 1-2 घंटे में सोऊँगा। होप शाम तक तबीयत ठीक हो जाए। सो गाइज यार खाना वाना तो अपना हो गया यार, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं हम हरिद्वार में हैं फिलहाल अभी समय, और 12 बजे ट्रेन में पहुँचा देता, लगभग अभी 12:30 बज रहे हैं, ठीक है गाइज। तो यार इस वीडियो को यही क्लोज करता हूँ और मिलता हूँ आपसे मैं दूसरे हरिद्वार की सीरीज़ में, अगर तबीयत ठीक रहती है तो। चलो ठीक है गाइज, फिर बाय बाय एंड टेक केयर।